Hey, what's up guys, कैसे हैं आप? तो guys, आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ बैटर स्टार, लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको ऐसे 6 पॉइंट जिससे कि गाइस बैटर स्टार और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है और बैटर स्टार की टीम को उनको ऐड करने चाहिए। और गाइस मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप मेरे साथ इन 6 पॉइंट में एग्री करते हो कि नहीं करते हो। और गाइस अगर आपको लगता है कि बैटर स्टार में कुछ और भी ऐड होना चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलते हैं इस अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ से हम लोग गेम में आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बैटर स्टार में 6 पॉइंट आप लोगों को ऐसे बताऊंगा जिसे गाइस बैटर स्टार और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। तो मेरा पहला पॉइंट आप लोगों के साथ ये है कि बैटर स्टार को अपने गेम में इमोजी या फिर स्टिकर्स लाने चाहिए। जैसे हम लोग कोई चैट वैट करते हैं तो वहां पे मैं स्टिकर्स का यूज नहीं कर सकते या फिर आप लोग स्टिकर्स का यूज नहीं कर सकते, तो वो भी होना चाहिए इन गेम में। जैसे गाइस मैं यहाँ पे मैसेज पे जाता हूँ तो मैसेज में मैंने यहाँ पे किसी को भी मैसेज किया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ स्टिकर्स आए, लेकिन स्टिकर्स यहाँ पे सेंड नहीं होते। देख सकते हो गाइस यहाँ पे स्टिकर सेंड नहीं होते, बस आ जाते हैं लेकिन सेंड नहीं हो पाते। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सारे स्टिकर्स बना के भेजे लेकिन सेंड नहीं हो रहे हैं स्टिकर्स। और या तो फिर बैटर स्टार ये भी कर सकता है, यहाँ पे एक स्टिकर का आइकन लेके आए जहाँ पे रेंगो लिखा है, वहाँ पे बगल में स्टिकर का आइकन लेके आए, जैसे उसको सिलेक्ट करें वहाँ पे अलग अलग तरीके के मूव्स हो, तो जैसे हम उन मूव्स को सिलेक्ट करें तो वहाँ पे रेंगो या फिर जो भी हम लोगों का कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे रेंगो है या फिर वीर हो सकता है या फिर टेक्नो हो सकता है या फिर जूका हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर उसको सिलेक्ट कर रखा है तो वो वाला मूव करे तो भाई बहुत ज्यादा कूल ये रहेगा। मेरा तो यही मानना है अगर बैटर स्टार इमोजीज या फिर स्टिकर टाइप के कुछ नए कूल ले आएगी ना तो बहुत ज्यादा औसम रहेगा, मेरा तो ये मानना है गाइस। मतलब वैसे गेम में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन गाइस मैं बता रहा हूँ अगर इमोजीज या फिर स्टिकर आ गए ना तो प्लेयर्स की भाई थोड़ी इंगेजमेंट और भी बढ़ सकती है मेरे हिसाब से गेम में। और गाइस जो दूसरी चीज है मैं कहूंगा माइक के बारे में, और एक और चीज जो माइक से रिलेट करती है, जब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपनी पार्टी तो यहाँ पे एक चीज मेरे को और दिक्कत करती है, मतलब मेरे को क्या मेरे हिसाब से बहुत लोगों को दिक्कत करती होगी कि यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, मतलब माइक के थ्रू या फिर कुछ भी थ्रू, यहाँ पे माइक का ऑप्शन आना चाहिए। और एक और चीज आनी चाहिए, जैसे गाइस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं लॉबी को तो यहाँ पे हम लोग प्लेयर्स को बुलाते हैं, अगर यहाँ पे हम लोगों को वर्सेस कराना है किसी के बीच में या फिर किसी के साथ तो यहाँ पे मैंने प्लेयर्स इन्वाइट किए तो यहाँ पे सारे प्लेयर आ गए, मान के चलो यहाँ पे सारे प्लेयर आ गए, यहाँ पे टोटल 8 के 8 प्लेयर मैंने इन्वाइट किया, मैं चाहता हूँ कि ये प्लेयर इसके साथ जाए, ये प्लेयर इसके साथ जाए, या फिर हम लोग की टीम दूसरी हो या फिर उसकी टीम दूसरी हो, तो हम लोग कर सके हम लोग को किसकी टीम में जाना है उस टाइम पे। अगर हम लोग पूरे टोटल 8 प्लेयर का करवा रहे हैं मैच, जैसे हमको सिर्फ रेंगो की बैटल करवानी है, रेंगो वर्सेस फ्यूचर टेक्नो वर्सेस रेंगो, यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा मतलब ऑसम चीज हो जाएगी अगर हम लोग ये डिफाइन कर पाए लेफ्ट साइड की टीम में। जैसे मेरी टीम आ गई यहाँ पे राइट साइड की टीम में, दूसरे अपोनेंट की टीम आ गई, जो भी दूसरा कराना चाहता है, यहाँ पे क्रिएटर्स के लिए भी बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। और अगर किसी को अपनी बैटल करवानी है अपने दोस्तों के साथ या फिर भाई मतलब मान के लो बहुत ज्यादा ऑसम रहेगा, बस यहाँ पे एक तरीका होना चाहिए जिससे कि हम लोग सिलेक्ट कर सके हम लोग को किसकी टीम में जाना है। तो गाइस यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैंने 4 प्लेयर बुलाए रेंगो और 4 प्लेयर बुलाए मैंने फ्यूचर टेक्नो, तो मैं चाहता हूँ उनकी टीम अलग अलग हो जाए, लेकिन गाइस ऐसा होगा नहीं। जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे प्ले बटन तो यहाँ पे टीम जो होगी वो मिक्स हो जाएगी, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएगी, मैसअप हो जाएगी, तो किसी की टीम में रेंगो आ सकता है, किसी की टीम में फ्यूचर टेक्नो आ सकता है, तो मतलब मिसमैच हो जाएगा, तो हम लोग की भाई टीम रेंगो वर्सेस फ्यूचर टेक्नो की नहीं हो पाएगी बैटल, तो ऐसे मिक्स मैच हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग की टीम रेंगो की तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन हो कि हम लोग 8 के 8 प्लेयर सेलेक्ट कर सके, यहाँ पे हम लोगों को रेंगो की टीम में जाना है, यहाँ पे फ्यूचर टेक्नो की टीम में जाना है, तो वर्सेस गाइस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो उसके लिए गाइस हमको माइक की भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो गाइस अगर ये हो जाएगा तो बहुत ज्यादा ऑसम रहेगा, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आप लोगों को। तो ये हो गया गाइस हम लोग का दूसरा पॉइंट। और गाइस जो तीसरा पॉइंट है वो न्यू कैरेक्टर को लेकर के है, जो है पापी। पापी गाइस अभी बहुत ही ज्यादा वीक है मेरे मानने पे तो ये, तो इनको थोड़ा भाई पापी को स्टैट्स को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए मेरे हिसाब से पापी का। वैसे स्टैट्स इंप्रूव भी करेंगे नहीं करेंगे इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन गाइस फ्यूचर टेक्नो की बैटर स्टार ने थोड़े स्टैट्स गिराए भी हैं, तो क्या पता वो पापी की स्टैट्स बढ़ा भी सकते हैं फ्यूचर में, अभी का तो कह नहीं सकता, क्या पता बढ़ा भी दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि गाइस पापी जो है थोड़ा भी वीक कैरेक्टर है मेरे हिसाब से मान के चलो तो, क्योंकि गाइस उसकी जो नॉर्मल गन है वो तो सही है, लेकिन जो उसकी सुपर वेपन अभी कहला नहीं सकती है वो, जैसे गाइस अदर प्लेयर की है, फ्यूचर टेक्नो डॉज जैक कैरन सैरी पटेल रेजर जैक जेन रेंगो, भाई रेंगो तो ऑसम है, किल शॉट जूका, तो भाई जो जूका रेंगो और किल शॉट है ये सब रेयर प्लेयर हैं, लेकिन भाई जो अपना पापी वो भी रेयर प्लेयर है, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा इन सब में से किसी के साथ अगर 1v1 पे आए तो। वैसे मैप भी ला सकते हैं बैटर स्टार 1v1 का, जैसा मैंने बताया था कि मैं ये रहता हूँ कि 1v1 का मैप आए, लेकिन 1v1 का मैप नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, क्या पता ऐड कर सके, क्योंकि गाइस यहाँ पे स्लॉट खाली है, तो वो मेरा पॉइंट नहीं था, मैं बस बताना चाहता था, हवा में रखना चाहता था, अगर बैटर स्टार की टीम देख रहे क्या पता 1v1 का मैप रख दें, वो अपने स्टाइल में रख दें, क्या पता जैसे हम लोग यहाँ पे 4 मैच करें 1v1 के, उसमें से
जो नहीं तीन मैच करें 1v1 के एक ही प्लेयर के साथ, उस तीन मैच में जो दो बार जीत गया तो वो 1v1 का विनर हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं 1v1 के मैप के साथ। मैं तो बस यहाँ पे हवा में रख रहा हूँ, कैच करना चाहे तो बड़ा सारी टीम कैच कर सकती है, अगर नहीं करना चाहे तो अलग बात है, ये तो बस मेरा मानना है। और गाइज अगर आपके पास भी कोई आइडिया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पढ़ूंगा जरूर भाई, मैं पढ़ता सारे कमेंटों और मैं उसका रिप्लाई भी ट्राई करता हूँ दे सकूँ सबका। तो गाइज चलते हैं तेज से अपने फोर्थ सजेशन की तरफ, जो है स्किन को लेकर के। गाइज अपने जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं मतलब जैसे कॉमन कैरेक्टर, इनके पास भाई हद से ज्यादा स्किन है। यहाँ पे देख सकते हो भाई 5 स्किन है भाई अपने रेजर के पास। वैसे रेजर अच्छा कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है, अनकॉमन है, लेकिन गाइज इसके पास स्किन 5 है और वैसे कैरेक्टर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भाई अपना पटेल देख लो भाई, पटेल है जो भी है, उसके पास भाई 4 स्किन और भाई उसकी जो लास्ट वाली स्किन है बहुत ही ज्यादा कूल है। लेकिन भाई जो अपने लेजेंडरी कैरेक्टर है, आइकॉनिक कैरेक्टर है, वैसे लेजेंडरी कैरेक्टर अपने फ्यूचर टेक्नो के पास स्किन अच्छी खासी है, लेकिन जो आइकॉनिक लेजेंडरी कैरेक्टर अपना डॉन है उसके पास भी सिर्फ 1 स्किन है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्किन आनी चाहिए भाई, लेजेंडरी कैरेक्टर है ये, इसकी 1-2 स्किन और बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही है। और वीर की भाई, वीर के पास भी 1 स्किन है, वो भी उतनी ज्यादा कूल नहीं लगती, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वीर की नॉर्मल और इसकी स्किन में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस यहाँ पे और भी स्किन आनी चाहिए भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर वीर की और भी स्किन आ गई तो मैं पागल हो जाऊंगा सही में भाई। वीर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, अगर आप भी चाहते हो भाई इसकी स्किन आए तो लिख दो भाई वीर की स्किन नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं वीर की नई स्किन ये लिखना भाई, वीर की नई स्किन। और यहाँ पे भाई अपना जो सिर्फ टेक्नो भाई है उसकी तो बहुत ज़्यादा स्किन है, उसकी टोटल 6 स्किन है। लेकिन गाइस जो अपने दूसरे कैरेक्टर्स हैं, वीर है, डॉन है, दिव्या की भी शायद 2 ही स्किन है, मेरे को इतना ध्यान है। हाँ दिव्या की भी 2 ही स्किन है भाई, जो ज़्यादा खेलने वाले प्लेयर है ना ज़्यादातर दिव्या से खेलते हैं, जूका से खेलते हैं, जूका भी भाई 2 स्किन पर टिका हुआ है यार। जिससे प्लेयर लोग ज़्यादा खेलते हैं उनकी थोड़ी बहुत स्किन और भी ऐड होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे अभी किल शॉट की 1 स्किन ऐड हुई थी, किल शॉट की बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे जो अपना रैंगो था यहाँ पे इसकी 1 स्किन ऐड हुई थी जो है टैंक टाको रैंगो, तो वो गाइस स्किन अभी ऐड हुई है उसकी, तो बहुत ज्यादा कूल लग रही है। वैसे ही भाई इन सब की भी नई नई स्किन लानी चाहिए उन लोगों को, ये मेरे हिसाब से अभी आ सकता है, इन फ्यूचर में कभी भी आ सकता है। मैं तो बस बताना चाहता था कि यहाँ पे और भी प्लेयर्स की स्किन आनी चाहिए, बस यहाँ पे नॉर्मल प्लेयर्स की आ रही है जिनसे ज्यादा लोग खेलते भी नहीं है यार, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। आप भाई लास्ट बार किसने खेला था कैरन के साथ ये बताओ मेरे को, लास्ट बार किसने खेला था? यहाँ पे देख रहे हो 4 स्किन है इसके और लास्ट वाली स्किन तो इसकी भी बहुत ज्यादा कूल है। लेकिन भाई अपना जो वीर है चलो मान के चलो आप लोग डॉन से खेलते हो, डॉन की भी स्किन सिर्फ ये है यहाँ पे 1-2 स्किन ऐड होनी चाहिए, मेरे तो भाई मानना यही है, यहाँ पे 1-2 स्किन ऐड होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है भाई। और गाइस जो मेरा फिफ्थ सजेशन है बैटर स्टार की टीम से, वो है इन गेम मनी को लेकर के, जो यहाँ पे अपना मनी दिखा रहा है, ये स्टार की शेप में मनी दिखा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से बैटल जब हम लोग जीतते हैं कोई भी टीडीएम रंबल टीडीएम डेथ मैच जितनी भी मैप है हम लोग जीतते हैं, एक मिनट जो आया नहीं, हाँ आ गया। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग मैप खेलते हैं बैडलैंड्स रंबल या फिर ओशन सिटी या फिर यहाँ पे नाम बदल चुका है गाइज मुंबई मैप का और दिल्ली मैप का, मैं भूल गया था बताना आप लोगों को, मैं अपनी वीडियो में भी भाई वही बोल रहा हूँ मुंबई मैप दिल्ली मैप, एक उनका नाम बदल चुका है, ओशन सिटी हो चुका है और बैटल कैपिटल हो चुका है उसका नाम, तो यहाँ पे नाम बदल गया। तो गाइज जो मैं अपना फिफ्थ पॉइंट बता रहा था आप लोगों को, तो उस पे चलते हैं इन गेम मनी के बारे में। जैसे ही हम लोग कोई मैच जीत के आए तो वहाँ पे भाई सबको 10 रुपीज मिलना चाहिए मेरे हिसाब से जीतने के बाद, क्योंकि गाइज जो पैसा है वो सिर्फ क्रेट से मिलता है और क्रेट खुलने में भी टाइम लगता है और उतना ज्यादा पैसा क्रेट से मिल नहीं पाता है, और इस वजह से गाइज प्लेयर्स इतनी जल्दी अपग्रेड भी नहीं हो पाते हैं, तो ये भी मतलब एक एक्स फैक्टर है कि इस वजह से प्लेयर ज्यादा लोग अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग गेम में भी अगर 10 रुपए भी जीतते हैं ना, मान के चलो एक दिन में तुम 100 मैच खेले तो 100 रुपए तुम्हारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इन गेम मनी, मान के चलो भाई 100 रुपए मतलब एक दिन में तुम कर रहे हो, तो रेगुलरली अगर तुम 10 मैच भी खेलते हो तो भाई 10 दिन के अंदर तुम्हारे पास 1000 यहाँ पे आराम से हो जाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से गेम खेलने में अगर हम लोग कोई भी मैच जीतते हैं तो वहाँ पे 10 रुपीज आ जाना चाहिए अपने पास, अगर जीतते हैं तो, हारने पे नहीं जीतने पे। और जो गाइज अपनी 6 चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो है ट्रॉफी को लेकर के, गाइज जो है ट्रॉफी को लेकर के, तो उसके बारे में अभी बताऊंगा, पहले मैं एक मैच खेल के आता हूँ फिर उसके बारे में बताता हूँ आपको। हो गया है यहाँ पे मेरा मैच खत्म हो चुका है, जो मैं बता रहा था आप लोगों को ट्रॉफी के बारे में, जो मेरा 6 पॉइंट था जो बैटर स्टार को इंप्लीमेंट करना चाहिए वो बैटर स्टार के ऊपर है, ये बस मेरा सजेशन है भाई, दिल पे मत लेना,
ये मेरा बस सजेशन है कि बैटर स्टार को ये सब ऐड करना चाहिए। तो मैं जो बता था, तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 8 लोगों को मारा है। यहाँ पे जैक भाई ने 3 लोगों को मारा है, यहाँ पे ओपी भाई ने 4 लोगों को मारा है, शिवांश भाई ने 2 लोगों को मारा है। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैं एनवीपी बनूं या फिर कोई भी एनवीपी बनता है, तो गाइस इसको एक डेंट ट्रॉफी अलग से मिलनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अगर कोई उससे थोड़ा कम मार रहा है, जैसे ओपी आर्यन भाई ने 4 किल मारे हैं, तो 4 किल मारने पे उनको 5 ट्रॉफी मिलनी चाहिए। और एक और चीज गाइस, जैसे हम लोग पहले बैटल स्टार खेलते थे, तब हम लोग अपनी टीम के किसी भी प्लेयर के साथ अपोजिट टीम के किसी प्लेयर को मारते थे, तो गाइस सिर्फ हमको ही नहीं पॉइंट मिलता था, अगर कोई हमको सपोर्ट कर रहा है तो 5 पॉइंट उसको भी चला जाता था, तो ये भी एक प्लस पॉइंट था। तो ये बैटल स्टार ने हटा दिया, जिसके गाइस अगर मैं जो बोलना चाहता हूँ उससे भाई इस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग किसी की मदद कर रहे हैं तो उसका 5 पॉइंट हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग के पॉइंट जो बढ़ जाते हैं। अगर आर्यन भाई के 40 पॉइंट थे तो 60 पॉइंट हो सकते थे या फिर 50 पॉइंट हो सकते, क्योंकि 5-5 पॉइंट उनके उसमें ऐड हो जाते अगर उनने किसी को भी बैकअप दिया होता। तो गाइस मेरा तो ये मानना है, जब भी कोई बंदा एनवीपी बन रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की उस गेम में, तो उसको भाई कुछ ट्रॉफी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। जैसे 10 ट्रॉफी हम लोग बेस लाइन रख सकते हैं, उसके ऊपर 10 ट्रॉफी प्लस हो सकती है। अगर आप एनवीपी बने तो 10 ट्रॉफी मिलेगी, अगर आपने सेकंड हाईएस्ट किल किया उस टीम में तो आपको 5 ट्रॉफी मिलेगी, आपने थर्ड हाईएस्ट किया तो 3 ट्रॉफी एक्स्ट्रा मिलेंगी। ऐसी करके भाई सबकी ट्रॉफी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मिल सकती है। और जैसे भाई बहुत सारे बंदे होते हैं, कभी कभार मैच में खेलते नहीं, 0 रहती है उनकी ट्रॉफी, लेकिन उनको भी 10 ट्रॉफी मिल रहा है, तो भाई ऐसे प्लेयर्स को भी थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि भाई सारी मेहनत मैंने की है और दूसरा बंदा भी उसको भी 10 ट्रॉफी मिल रही है, तो थोड़ा अजीब रहता है गाइस ये चीज़। तो गाइस ये मेरा सजेशन है ट्रॉफी को लेकर के, अगर कोई भी बंदा एनवीपी बने तो उसको 10 ट्रॉफी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, क्योंकि बेस लाइन अगर आप मान के चलो 10 ट्रॉफी है तो एनवीपी बनने का कुछ फायदा तो हो ना उसको, अगर उसने इतनी सारी किल मारी है तो कोई फायदा तो बने ना उसका इतनी सारी किल मारने का। ऐसे गाइस जिसने दूसरे नंबर पर सेकंड हाईएस्ट किल की है उसको भी थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए ना उस मैच को खेलने का, 10 ट्रॉफी प्लस होने का, क्योंकि गाइस सबको 10 ट्रॉफी मिलेगी तो बराबर का फायदा कैसे होगा, क्योंकि एक बंदे ने ज्यादा अच्छा खेला, दूसरे बंदे ने कम अच्छा खेला, लेकिन सपोर्ट दिया है तो सपोर्टिंग का जो 5 पॉइंट है तो वहां पे 5 पॉइंट ऐड हो जाता है, तो ऐसे आप लोग पॉइंट भी ऐड हो सकते हैं, तो उससे भाई आप लोग एनवीपी भी बनने के चांसेस रहते हैं कई बार, उसे भी भाई आप लोगों की वर्थ पता चलती है कि आपने इस प्लेयर की मदद की इस प्लेयर को मारने के लिए, भला ही आपने 0 किल क्यों ना की हो, वहां पे पॉइंट आपके उसमें शो होते थे पहले भी, इसे ही गाइस पता चलता था कि उस प्लेयर ने सपोर्ट किया है बंदे को, तो सपोर्टिंग पॉइंट भी बनना चाहिए। मतलब ट्रॉफी में थोड़ी बहुत चीजें लानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये मेरा मानना है, क्योंकि गाइस 10 ट्रॉफी इनफ नहीं होती है जिससे गाइस हम लोग लीडर बोर्ड में थोड़ा क्लाइम कर सकें, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, जिससे गाइस हम लोग लीडर बोर्ड में थोड़ा जल्दी से क्लाइम भी हो सकते हैं, और मतलब जो एनवीपी बना उसको भी मतलब लगे नहीं कि भाई अकेले मैंने खेला, इतने सारी किल मारी, सारे बंदों को 10 ट्रॉफी मिल रही है, क्योंकि गाइस बहुत लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है और सुना भी है। तो गाइस ये बैटल स्टार इंप्रूव कर सकती है, अगर बैटल स्टार करना चाहिए तो मेरा बस सजेशन है गाइस, दिल पे मत लेना अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ बुरी लगी हो। वैसे तो भाई मैं बोलूँगा अच्छा है कि चेस चीज़ तो बैटल स्टार को लानी चाहिए इसमें। अगर आपका भी कोई सजेशन है गाइस मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग क्या चाहते हो कि बैटल स्टार में क्या आना चाहिए, क्या इम्प्रूव होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, भूलना नहीं बताना मेरे को। और इनमें से कोई भी पॉइंट आपको डिसएग्री लगता हो या फिर एग्री लगता हो तो भाई लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप कौन से पॉइंट के साथ डिसएग्री हो या फिर कौन से पॉइंट के साथ एग्री हो, वहाँ पहले पॉइंट के साथ एग्री हो, दूसरे पॉइंट के साथ एग्री हो, तीसरे पॉइंट के साथ या फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट या फिर सिक्स पॉइंट, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि मैं पहले पॉइंट के साथ एग्री हूँ, मैं दूसरे पॉइंट के साथ एग्री हूँ, समझ गया ना कैसे लिखना है, तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो गाइस इस सजेशन वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको इनमें से कोई भी सजेशन पसंद आए तो जाके लाइक कर दो, लाइक एम रखते हैं गाइस 100 लाइक का, तो जल्दी जाके लाइक एम कंप्लीट कर दो। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो के साथ, थैंक्स वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।